डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही यूएसए के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप स्पोर्ट्स के भी बड़े फैन रहे हैं और कई दिलचस्प घटनाओं का हिस्सा रहे हैं। WWE देखने वाले फैंस जानते होंगे कि कैसे उन्होंने WWE के पूर्व चेयरमैन को हजारों लोगों के सामने गंजा किया था। वहीं राष्ट्रपति चुनाव जीतने की स्पीच के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कंपनी UFC के चेयरमैन डैना व्हाइट के साथ देखा गया था, मगर डोनाल्ड ट्रंप एक बार महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी खेले और उन दोनों की तस्वीर ने इंटरनेट पर भूचाल ला दिया था। दरअसल ये बात है साल 2023 में सितंबर महीने की, जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को गोल्फ खेलने के लिए आमंत्रित किया था। आपको बता दें कि उन दिनों महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बाल बढ़ाए हुए थे, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप अपनी फेमस लाल टोपी में नजर आए थे। डोनाल्ड ट्रंप का क्रिकेट के प्रति लगाव पहली बार तब देखा गया था जब उन्होंने साल 2020 में अपने भारत दौरे पर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे महान क्रिकेटर्स का नाम लिया था। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप धोनी के साथ खेल चुके हैं, इसलिए उनके 47वें राष्ट्रपति बनने के बाद सोशल मीडिया पर थाला फॉर अ रीजन ट्रेंड कर रहा है। साथ ही साथ आपको एक और जानकारी दे दें कि महेंद्र सिंह धोनी ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात सुनील गावस्कर से भी हो चुकी है। ये दोनों साल 2019 में न्यूयॉर्क में गोल्फ कोर्स पर मिले थे। इमरान खान उन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने आए थे, वहीं गावस्कर ने उनका नाम लिए बिना इमरान खान पर तंज कसा था। लिटिल मास्टर खुद बता चुके हैं कि उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बैट भी साइन किया था। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो वो जल्द ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी USA के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2025 को लेकर लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने एक अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर रिटेन किया है। यही कारण है कि IPL 2025 में उनकी सैलरी 4 करोड़ रुपए होगी। ऐसे में थाला के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी को उनके फैंस जल्द देखने के लिए काफ़ी बेताब नज़र आ रहे हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।